जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित। आज 17 मई 2022 और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। 13 मई 2022 को यूपी पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर, मतलब जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले थे, उनका रिजल्ट आ चुका था। इसका एग्जाम आपका 22 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में कराया गया था, लेकिन इसमें इस बार का रिजल्ट इतना घटिया रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की बैक आई है। मैं मानता हूं जिसकी, मतलब जो नहीं पढ़े उनकी बैक आए तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट अभी देखे जो हर सब्जेक्ट में 30, 40, 45, 22, 28 ऐसे हैं, लेकिन उनका एक किसी सब्जेक्ट में 13 नंबर दे दिया है, 16 नंबर दे दिया, ऐसे अटका दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बोर्ड की भी, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उनकी भी एक लापरवाही है। वो स्टूडेंट मेरे पास कॉल कर रहे हैं, कई लोग तो रोने लग रहे हैं कि सर अब क्या करें क्या करें। साथ साथ जो फॉर्म भर रहे हैं, रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर रहे थे, उसमें बीटीयूपी ने इस बार चेंज किया कि आप रीचेक में, यहां तक कि प्रैक्टिकल नंबर, सेशनल नंबर भी रीचेक में डाल सकते हैं। तो गलती से स्टूडेंट पेपर कोड नहीं देखें तो उन्होंने गलती कर दी। देखिए अभी भी समय, जो लोग रीवैल्यूएशन रीचेक का फॉर्म भर रहे हैं, अपना रिजल्ट डाउनलोड कीजिए, उसका सामने पेपर कोड दिया उसको मिलाइए, फिर जो रीचेक वाला उसका पेपर कोड मिला के तब भरिए, तब सही रहेगा, ठीक है? अभी भी समय है। लेकिन देखिए एक आंकड़ा विवेक मौर्य सर के द्वारा दिया गया, 18,000 प्लस, वैसे भी मेरे पास खुद अभी व्हाट्सएप पे 3640 प्लस चैट आ चुकी है कि सर मैं रीचेक फॉर्म भर रहा था, मतलब रिवैल्यूएशन वाला या स्क्रूटनी वाला, सर गलत हो गया, सर मेरा प्रैक्टिकल था गलत हो गया, अब मैं क्या करूं, प्रैक्टिकल पे टिक हो गया है। देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 18,000 स्टूडेंट देखिए आज खतरे में, लगभग इससे प्लस स्टूडेंट हैं, आप लोग को क्या करना है, साथ आना है, चाहे आपकी बैक लगी हो चाहे ना लगी हो, क्योंकि यह एक बार जो फॉर्म सबमिट हो गया इसको एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जिसका बैक लगा है, जिसका नहीं लगा है, आपके दोस्त मित्र सभी को साथ आने की जरूरत है। करना क्या है, आने वाले 1-2 दिनों में हम ट्विटर पे काफी तेजी से ट्रेंड कराने वाले हैं बीटीयूपी को लेकर के। आगे का जो प्रोसेस है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट को टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करना है। दूसरा क्या करना है, ट्विटर पे हम लोग ट्रेंड कराएंगे तो ट्विटर पे जरूर से जरूर फॉलो करना है। टेलीग्राम के माध्यम से बताया जाएगा कि अगला स्टेप में आपको करना क्या है। तो यह सब बातों को ध्यान में रखिए। देखिए इसको कैसे सही करेंगे, क्या चीजें हैं, क्या अभी आपके पास ऑप्शन है, अगर इन्हें मतलब एडिट का ऑप्शन नहीं दिया था तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और इस बार जितनी बैक आई ना, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से आई, आप सोच भी नहीं सकते, सुनकर के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि अगर इतने लोग रिवैल्यूएशन करा रहे हैं तो बीटीयूपी के पास कितने पैसे जाने वाले हैं, अगर होता है तो। हो सकता है बोर्ड कहीं ना कहीं ऑप्शन दे आपको। चलिए देखिए एक चीज और बता दी इंपॉर्टेंट, यदि आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं सेकेंड सेमेस्टर कोई भी ब्रांच हो तो आप लोग एडमिशन करा सकते हैं स्टडी पावर पॉइंट ऐप पर। और पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अगर इलेक्ट्रिकल है तो आंख बंद करके एकदम करा लीजिए, बहुत ही मिनिमम फीस है, 512 रुपए ऑल सब्जेक्ट की। उसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल, सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सिक्स सेमेस्टर की भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। मॉर्निंग में चलती है 7 बजे से 9 बजे, इवनिंग में चलती है 4 बजे से 6 बजे, फिर उसके बाद चलती है आपकी रात के 8:30 बजे से फाइनल ईयर की। तो एडमिशन करा के लाइव क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई, आज बैक आया है 1-2 सब्जेक्ट 500 रुपए 1000 रुपए वैसे बैक का दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे पढ़ करके कोई बैक नहीं वाले, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। आइए हम अपने अपडेट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे जिस स्टूडेंट ने गलत फॉर्म भर दिया है, मतलब उसका प्रैक्टिकल पे टिक हो गया है और लॉक हो गया, वो एडिट नहीं होगा, उसके पास ऑप्शन है कि वह उस चीज को अब बिल्कुल बंद कर दे, फीस मत पे करे। करना क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल का थोड़ी रिजेक्ट कराना, हमें तो सब्जेक्ट का कराना थ्योरी वाले का, तो हमें क्या करना है, उसको बंद कर दो। ऑप्शन यही बचता, उसको बंद करने के बाद कुछ मत करो, बैक फॉर्म आएगा यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर में बैक लगा है तो उसका एग्जाम 2, 4 और 6 सेमेस्टर के एग्जाम के साथ होगा। तो आप लोग बैक पेपर की तैयारी कीजिए अभी से और बैक पेपर भर दीजिएगा, आपका क्लियर हो सकता है उसी में, और क्लियर हो जाएंगे तो नंबर भी जुड़ते हैं, ठीक है? तो यही ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है, और 500 रुपए इधर उधर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग पढ़ने वाले एप्लीकेशन पर एडमिशन ले लीजिए, बाकी अदर ब्रांच वाले के लिए यही तरीका है, उसको पढ़ाई कीजिए। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीने हुआ है, अभी भूले नहीं हो सब चीज, बस खोल करके 2-2 क्वेश्चन डेली का पढ़ते रहो, कितना 2-2 क्वेश्चन डेली का, आने वाले 1 महीने में सब तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ,
हम लोग जो ट्विटर ट्रेंड कराने वाले हैं उसमें काफी स्टूडेंट अगर साथ आए तो कुछ हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब एग्जाम हो रहा था उसमें कोरोना वगैरह चुनाव वगैरह कभी बात थी तो हम लोग काफी मिलकर ट्विटर ट्रेंड कराए थे, जिस वजह से लगभग 2.5-3 लाख ट्वीट रिट्वीट हो गए थे इन एक सेकंड पे, और हम लोग का ट्रेंड लगभग 10 नंबर या 4 नंबर किस तरीके से करने लगा था, मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, तो हम लोग की बातें सुनी भी गई थी, काफी चीजें हुई भी थी, तो इसलिए इस बार साथ आने की जरूरत है। आइए सभी लोग साथ में टेलीग्राम पे चलिए और साथ ही साथ हमारे ट्विटर पे चलिए, हम लोग आने वाले 1-2 दिनों में काफी तेजी तरीके से ट्विटर पे ट्रेंड कराने वाले। उसमें होता क्या है, कुछ ही समय में ज्यादा से ज्यादा लोग ट्वीट और रिट्वीट करते हैं तो उसके लिए आपको मतलब प्रॉफिट हो सकता है, तो आप लोग इस बात को समझिएगा। एक आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए एक आंकड़ा यह है कि हमने एक छोटा सा आंकड़ा दिया कि 18,000 स्टूडेंट हैं और ₹500 बैक फॉर्म का लग रहा है, ठीक है, तो एक आंकड़ा अगर इसको निकालेंगे तो लगभग 90 लाख रुपए आ रहा है। लेकिन देखिए यह आंकड़ा एक छोटा आंकड़ा, मैं कैसे बताता हूं, देखिए क्या आपने सोचा कि क्या हर स्टूडेंट मतलब जितने लोग भरने वाले हैं क्या एक ही बंदा भरेगा, क्या एक ही बंदा मतलब एक ही सब्जेक्ट का भरेगा ₹500? नहीं, किसी किसी का 3-3 में बैक है, मतलब कई लोग तो ऐसे जो कम पढ़े उनका बैक आएगा तो बात की बात, लेकिन जो पढ़े उनका भी आया है। अभी कल ही एक लड़की फोन की शाम को लगी रोने का, रिक सर हम तो मेरा सब सब्जेक्ट में 40 नंबर 38 नंबर 32 नंबर 35 नंबर है, लेकिन इसी सब्जेक्ट में उसका पीएलसी में लटका दिया था 16 नंबर या 15 नंबर ऐसे दिया है, जबकि उसके क्लासमेट का सबका अच्छा परफॉर्मेंस है लेकिन उसी पे कम हो गया। कैसे कम हो गया, पढ़ी थी तो उसको पता है ना हमने क्या किया है, तो ऐसे ऐसे बोर्ड, और साथ ही साथ उसका फॉर्म जो भर रहा था वो फॉर्म उसकी फ्रेंड कोई भरती वो भी गलती कर दी, तो उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, तो ये सब दिक्कतें हैं। तो एक देख सकते हैं कि किसी का मल्टीपल भरेगा तो भैया ये अमाउंट बढ़ेंगे, 1 करोड़ प्लस बीटीयूपी पास जाने वाला, तो कहीं ना कहीं बीटीयूपी भी यह देखेगा भैया बच्चों का जब इतना रुपए की बात हो रही है तो 1 करोड़ रुपए किसी को पैसे काटते थोड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन दे सकता है आप लोग के लिए, लेकिन तभी दे सकता है जब आप लोग मिल करके ट्विटर ट्रेंड कराएंगे कि बीटीयूपी की तरफ से इनेबल का ऑप्शन आए कि अगर जो लोग एडिट करना चाहते हैं, मतलब फीस पेमेंट तो ही नहीं है, जो लोग एडिट करना चाहते हैं वो लोग एडिट करके फॉर्म भर पाए और उसमें चांसेस होते हैं रीचेक में, तो ऐसा हो पाए। कुछ स्टूडेंट का यह भी कहना, सर क्या रीचेक में वाकई में चेक होता है कि नहीं? देखिए भैया बस विश्वास कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्या कर सकते हो, बस विश्वास कर सकते हो कि इसका मतलब होता है रीवैल्यूएशन का, मतलब फिर से कॉपी जांची जाती है चेक, बस यही। अब चाहे चेक हो चाहे वैसे आ जाओ, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते या कोई भी कुछ नहीं करता, लेकिन कहा जाता है होती है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग इस अपडेट को समझे होंगे, सभी लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करना है और साथ ही साथ हमारे ट्विटर को भी फॉलो करना है, और इतना ही नहीं लाइव क्लास करना चाहते हो, बैक रखना है उससे छुटकारा पाना चाहते हो, स्टडी पावर पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए, लाइव क्लास में एडमिशन कराइए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर कर दीजिएगा, बाकी आइए 1-2 दिन में हम लोग ट्विटर पे काफी तेजी से ट्रेंड कराने वाले हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना रह जाए और सबको साथ आने की जरूरत है, चाहे जिसका बैक लगा हो चाहे ना बैक लगा, सबको साथ आना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।